हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एलसी और सर्किट के बारे में। अब उसके बारे में जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रह गई थी उसके बारे में आज हम लोग कंसिडर करते हैं, देखते हैं। जो हमारा फ्यूजर डायग्राम है सीरीज एलसी और सर्किट का, वो कुछ इस तरीके से है। और इस फ्यूजर डायग्राम के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमने एज्यूम करते हैं कि अगर ई एल ज़्यादा है ई सी से, और ये जो हमारे जो जगह है, ये जो गैप है, इसकी इस इंटरवल की जो वैल्यू है वो ई एल माइनस ई सी है, तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से इसमें रहेगा। नाउ ये जो वैल्यू है जेड, इसे हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, और जेड होता है अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में डिराइव करवा ली थी। नाउ इस पर्टिकुलर फेजर डायग्राम के लिए, इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, जैसे कि हमने हर सर्किट में टैन थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन किया है, इस सर्किट के लिए टैन थीटा की क्या वैल्यू होगी एक बार देख लेते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू ई एल माइनस ई सी बाय में ई आर। टैन थीटा इज इक्वल टू ई एल माइनस ई सी बाय में ई आर। अब ई ईएमएफ है या वोल्टेज है वो क्या होता है, आई आर के इक्वल होता है, तो ई एल की वैल्यू बन जाएगी आई वी इंटू एक्स एल माइनस ई सी इज इक्वल टू आई वी इंटू एक्स सी बाय में आई वी इंटू में आर। ई एल की वैल्यू आपकी है आई वी एक्स एल, ई सी की वैल्यू है आई वी एक्स सी, और ई आर की वैल्यू आपकी है आई वी आर। तो टैन थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में क्या बन जाती है, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय में आर। अगेन मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा है कि इस तरीके की वैल्यू पेपर में डिराइव करनी जरूर आती है। अगर आपके पास एल आर सर्किट पेपर में आता है या सी आर सर्किट पेपर में आता है, या मान लो यही सर्किट पेपर में आ जाता है, तो टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए वो आपको उसमें बोल सकता है। तो ये तो रही है आपकी टैन थीटा की वैल्यू, जो हमने पिछली वीडियो में भी जो हमने फेजर डायग्राम कंसिडर किया था उस पर ही डायरेक्टली बेस्ड है। आज का एक इम्पॉर्टेंट और नया टॉपिक है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। हमें पता है कि जो हमारा एक्सी है या जो हमारा एक्सएल है वो क्या रहता है, एक्सी हम लोगों का होता है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, और एक्सएल हमारा होता है रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ इंडक्टर। एक्सी हम लोगों का होता है कैपेसिटिव, जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो होती है एक्सी, और एक्सएल हमारा होता है रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ एन इंडक्टर सर्किट। इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस रहता है वो एक्सएल रहता है। नाउ एक्सी की वैल्यू क्या होती थी, 1 बाय ओमेगा सी होती थी। एक्सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, तो आप लिख सकते हैं उसे 1 बाय 2 बाय म्यू सी। एक्सी की वैल्यू आपकी होती थी 1 बाय ओमेगा सी, तो उसको आप लिख सकते हैं 1 बाय में 2 बाय म्यू सी। नाउ एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 पाई न्यू एल। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। नाउ अब इन दोनों फॉर्मूले को एक बार फिर से देखिए। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा जो एक्सएल है वो भी बढ़ेगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑन द अदर हैंड अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक्सी घटेगा, क्योंकि एक्सी और फ्रीक्वेंसी हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हमारा एक्सी घटेगा और एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी। आई होप ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। तो ऐसा देखा गया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से एट न्यू इज इक्वल टू न्यू आर, ऐसा देखा गया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो फ्रीक्वेंसी न्यू आर है, न्यू आर यहाँ पर क्या है, न्यू आर हमारी होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आज के वीडियो में इसके बारे में दो और छोटे छोटे से टॉपिक कंसीडर करूंगी, और आज की वीडियो में डिस्कस होने वाला हर टॉपिक, चाहे वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो या इसके बाद के दो टॉपिक्स हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर में पूछे जाते हैं। नाउ से न्यू इज इक्वल टू न्यू आर,
अब हमने कहा है जो हमारी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिस पर एक्सएल की वैल्यू एक्स ही हो जाती है, वो कहता है कि ये कैसी फ्रीक्वेंसी रहती है जिसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्सी इक्वल होते हैं, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। एक्सएल की वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 पाई न्यू आर एल, न्यू आर यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। एक्सी की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1/2 पाई न्यू आर सी। अब किसी क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, तो आप ये कह सकते हैं कि इन दो स्टेप्स में अगर आप इसके एक और दस स्टेप और कर लो तो यहाँ से बहुत इजीली आपके पास ये चीज निकल कर के आएगी कि न्यू आर जो है वो वैल्यू क्या रखता है, न्यू आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। न्यू आर क्या होगा हमारा, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि एक LCR सर्किट में tan थीटा की वैल्यू कितनी रहती है और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू कितनी रहती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में, कि अगर हम AC सप्लाई की बात कर रहे हैं या हम DC सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो हमारा चाहे वो इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, वो दोनों में से कौन सी पावर सप्लाई को ब्लॉक करता है और कौन सी पावर सप्लाई को इजीली पास होने देता है, वो AC को ब्लॉक करता है या DC को ब्लॉक करता है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। XL की वैल्यू कितनी है, L ओमेगा है, XL की वैल्यू है L ओमेगा, जिसे आप लिख सकते हो 2 पाई न्यू L। XL इज इक्वल टू L ओमेगा और ओमेगा L, जिसे आप लिख सकते हो 2 पाई न्यू एल। AC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। टेंथ में याद आता है, इंग्लिश में याद आती है कि AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अब अगर ये 50 हर्ट्ज है तो XL की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, XL है सम फाइनाइट वैल्यू। फॉर DC के केस में DC की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है, DC की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है, तो XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 है तो XL 0 हो जाएगा ना। अब अगर हम इंडक्टर के केस में देखें तो AC के सर्किट में तो XL की फाइनाइट वैल्यू है और DC सर्किट में XL की 0 वैल्यू है, यानी कि इंडक्टर AC को ब्लॉक करता है पर DC को पास होने देता है। जो इंडक्टर है वो AC को ब्लॉक करता है पर DC को पास होने देता है, तो ये तो केस रहा आपका इंडक्टर का, क्योंकि DC सर्किट में जो हमारा रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहा है वो 0 है, यानी कि वो उसको पास होने देगा। पर AC सर्किट में ठीक है बहुत ज्यादा तो नहीं, पर कुछ रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहा है तो वो उसको कहीं ना कहीं जो इंडक्टर है वो AC को ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट केस है कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में हम लोगों का जो वैल्यू रहती है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस की, वो होती है XC, दैट इज इक्वल टू 1/ωC, जैसे आप लिख सकते हैं 1/2πμC। XC की वैल्यू होती है 1/ωC, जिसे आप लिख सकते हैं 1/2πμC। अब AC सर्किट के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, तो XC की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो XC की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। अब DC के केस में फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है तो XC इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/0 इज इक्वल टू इनफिनिटी। अब अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो जो कैपेसिटर है वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है DC पावर सप्लाई को, जबकि वो AC पावर सप्लाई को एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो यहाँ से एक बात तो साफ हो जाती है कि जो कैपेसिटर है वो DC को ब्लॉक करेगा और वो AC को पास होने देगा। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि इंडक्टर किसे ब्लॉक करता है और किसे पास करता है और क्यों, कैपेसिटर किसे ब्लॉक करता है और किसे पास करता है और उसका रीजन भी आप लोगों को बताना है। तो इस तरीके से
हमने आज सीखा कि इंडक्टर जो है वो एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास होने देता है। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास होने देता है। With this in today video, we have completed the topic LCR circuit. हमने अपने LCR circuit को पूरा कर लिया है और इसके साथ हमने कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में भी बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो देखी है। And we are going to continue the next topic from the next video. अगर किसी का कोई टॉपिक रह गया है या कुछ है तो उसे पूरा कीजिए, अपनी नोटबुक्स अपने जो भी नोट्स हैं उन्हें पूरा कीजिए। And with this we are going to continue the next topic from the next video. Thank you.